अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टाइप ऑफ डिस्कशन है वो न्यूक्लियोटाइड के बारे में है। तो सबसे पहली पॉइंट देखिए, न्यूक्लियोटाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है। वो तीन कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक पेंटोज शुगर से, दूसरे नाइट्रोजेनस बेस से, और तीसरे फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स को बनाते हैं। आगे इसके बॉन्ड की बात करें, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एस्टर बॉन्ड और एस्टर लिंकेज। तो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। आगे हम ज़रा इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखें तो ये पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। पेंटोज कहते हैं पांच को, और शुगर आप जानते हैं शुगर को ही कहते हैं। तो ये फाइव कार्बन मोनोसैकेराइड, मतलब क्या है, ये पेंटोज शुगर में फाइव कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। ये दो तीन चार पाँच, ये पांच कार्बन से मिलके बना होता है। आगे देखिए, ये नाइट्रोजेनस बेस का स्ट्रक्चर है। ये आगे जाके एडनिन, गवानिन, साइटोसिन, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। हम वहाँ पे इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में देखिए, ये फास्फेट ग्रुप है, ठीक है, या फास्फोरिक ग्रुप जिसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये फास्फेट है सेंटर में, और इसके साथ ये ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीजन, और नीचे जो होता है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, और ये फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है। अब हम नाइट्रोजेनस बेस को देखते हैं कि नाइट्रोजेनस बेस को आगे मज़ीद भी क्लासिफाइड किया है। तो देखिए, नाइट्रोजेनस बेस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। नाइट्रोजेनस बेस को दो मेन ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, एक को पायरिमिडीन कहते हैं और दूसरे को प्यूरीन कहते हैं। अब इनको देखते हैं, इनमें डिफरेंस देखते हैं, पायरिमिडीन और प्यूरीन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस देखें, पायरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड। पायरिमिडीन जो होते हैं वो सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं, जिस तरह लास्ट में मैंने ड्रा किया है इस तरह का रिंग होता है, सिर्फ एक ही रिंग होता है, ठीक हो गया। और प्यूरीन में देखें, डबल रिंग कंपाउंड। प्यूरीन जो होते हैं वो डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, जिस तरह ये दो रिंग्स है, ठीक हो गया, इस तरह का इनके रिंग्स होते हैं। आगे देखें, पायरिमिडीन फर्दर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स। पायरिमिडीन को मज़ीद तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि देखिए, थायमिन है, साइटोसिन है, और यूरेसिल है। और प्यूरीन में देखें, प्यूरीन आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स। प्यूरीन जो है इसको दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, एडनिन एंड गवानिन, एडनिन और गवानिन में। अब हम ज़रा इनको देखते हैं कि पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजेनस बेस किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं। तो देखिए, ये पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर वन पे हमेशा नाइट्रोजेनस बेस अटैच हुआ होता है, और कार्बन नंबर फाइव पे हमेशा फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है। तो डियर्स, ये आज का हमारा टाइप ऑफ डिस्कशन था न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।